नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निर्बाध रूप से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम के सिम्टम। होम्योपैथिक मेडिसिन मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का दूसरा नाम है मर्क्यूरियस सोल्युबलिस या मर्क्यूरियस वाइवस या क्विक सिल्वर। इस शक्तिशाली मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि के प्रयोग से शरीर के प्रत्येक अंग तथा प्रत्येक ऊतक कुछ न कुछ जरूर प्रभावित होता है। यह स्वस्थ कोशिकाओं को कमजोर तथा ज्वलनकारी कर देती है तथा हड्डियों को गलाकर नष्ट कर देती है। यह खून को जमने से रोक देती है, जिसके कारण कभी कभी रोगी में गंभीर अवस्था उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यह घातक औषधि शक्तियों के अनुरूप यदि होम्योपैथिक पद्धति के अनुसार प्रयोग में लिया जाए या फिर लक्षणों के आधार पर प्रयोग किया जाए तो यह कठिन जीवन रक्षक का भी काम करती है और सभी रोगों को यह ठीक करने में काफी लाभदायक भी सिद्ध होती है। लसिका ग्रंथि रोग से प्रभावित हो तथा जिसके साथ ही झिल्लियाँ, ग्रंथियाँ तथा शरीर के अंदरूनी हड्डियाँ रोगग्रस्त हो चुकी हो तो उस रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि लाभदायक हो सकती है। पारा के उपयोग से उत्पन्न रोग की अवस्था या किसी जहर के कारण उत्पन्न शरीर में गर्मी की अवस्था को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। खून की कमी के कारण उत्पन्न पीलिया रोग तथा उसके साथ ही उरोस्थी भाग में और जोड़ों के आसपास दर्द तथा गठिया के साथ दर्द होना, मुंह तथा गले के अंदर घाव तथा छाले पड़ना और सिर के बाल झड़ते रहना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि की 2x शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शरीर के कई भागों में फफोलेदार घाव या फोड़ा होना, नाक के अंदर अधिक श्लेष्मा का जमा हो जाना यानी नाक के अंदर अधिक कफ जैसा पदार्थ जमा हो जाना, सुखंडी रोग यानी रोगी का शरीर सूखता चला जाता है, इस रोग को दूर करने के लिए और उसके साथ ही मुंह में छाले पड़ गए हों और साथ में जलन भी हो रही हो, शरीर में कंपन महसूस होता हो, इस प्रकार के लक्षण में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के कई अंगों में सूजन हो गई हो तथा उसके साथ ही कच्चेपन का एहसास हो रहा हो और शरीर से अधिक मात्रा में तैलीय युक्त पसीना आ रहा हो तथा उसके बाद कुछ आराम मिल रहा हो, सांस लेने तथा खून बहने पर शरीर से अधिक बदबू आ रही हो, शरीर के घाव तथा फोरे में पीप बन रहा हो और पीप का रंग हरा होना चाहिए, पीप का रंग हरा होता है और यह पतली बदबूदार और रक्तयुक्त होता है, इस प्रकार के लक्षण होने पर रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का उपयोग करना उचित होता है। मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को रोग को ठीक करने में काफी उपयोगी है, जैसे मन से संबंधित लक्षण। रोगी की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है तथा उसके साथ ही इच्छा शक्ति में भी कमी आ जाती है, रोगी की इच्छा शक्ति में काफी कमी आ जाती है, रोगी को अपना जीवन उबा सा यानी जीवन से निराश हो जाना ऐसा लगता है, अविश्वास अधिक होता है और ऐसा महसूस होता है कि मानसिक शक्ति नष्ट होती जा रही है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी से कोई प्रश्न करने पर वह प्रश्न का उत्तर देने से अधिक देर लगाता है। यदि रोगी से कोई प्रश्न किया जाए तो प्रश्न का उत्तर देने में बहुत अधिक देर लगाता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग काफी लाभदायक होता है। सिर से संबंधित लक्षण। रोगी जब पीठ के बल लेटता है तो चक्कर आने लगता है
और ऐसा महसूस होता है कि सिर पर कपड़े की पट्टी बंधी हुई है। सिर के एक भाग में फाड़ने के जैसा दर्द होता है। माथे के आसपास तनाव जैसी होती है, पट्टी बन जाती है। माथे के आसपास से तनाव जैसा लगता है। सिर में अधिक गर्मी महसूस होती है। सिर के ऊपरी भाग में घाव हो जाता है जिनमें से बदबू आती है। बाल झड़ने लगते हैं तथा सिर पर से तैलीय पसीना निकलता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आंखों से संबंधित लक्षण, पलकें लाल मोटी होकर सूज जाती है, आंखों में जलन होती है तथा पानी जैसा तेज ज्वलनकारी द्रव बहने लगता है। आंखों के सामने काले धब्बे बन जाते हैं। कारखाने में काम करने वाले लोगों द्वारा आग की लपट देखने के बाद उत्पन्न रोग की अवस्था जिनमें आंखों में जलन के साथ दर्द होता है। इस प्रकार के आंखों से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी रोगी को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का सेवन करना चाहिए। कान से संबंधित लक्षण, रोगी के कान से गंदा पीवदार बदबूदार कफ जैसा पदार्थ निकलने लगता है तथा इस पीवदार पदार्थ में खून भी कुछ मात्रा में होती है। इन लक्षणों के साथ साथ रोगी के कानों में दर्द भी होता है। बिस्तर की गर्मी से तथा रात के समय में कान को में खोदने जैसा दर्द होता है और भी दर्द होता है और दर्द तेज होने लगता है और फिर कान के बाहरी भाग में फोड़ा हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। नाक से संबंधित लक्षण, रोगी को छींके अधिक आती है। धूप में छींके और भी अधिक आती है। नाक के अंदरूनी भाग में फुंसियां हो जाती है। नाक की हड्डियों में सूजन होती है। नाक से पीला हरा बदबूदार पीप जैसा स्राव होता है। सर्दी जुकाम के रोग होने के साथ ही नाक से ज्वलनकारी तरल पदार्थ बहता है जिसके कारण होठों पर घाव हो जाता है। नाक की हड्डियों में दर्द होता रहता है तथा नाक पर सूजन आ जाती है तथा उसके साथ ही बदबू भी आती है और कभी कभी नाक से खून भी बहने लगता है। नाक की पास की त्वचा छिल जाती है तथा अधिक मात्रा में कफ जैसा पदार्थ नाक से बाहर निकलते रहता है। सर्दी जुकाम होने के साथ ही नाक में दर्द होता है तथा कच्चेपन का एहसास होता है। नमीदार मौसम में नाक से अधिक पानी निकलता है। इस प्रकार के नाक से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी रोगी को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। चेहरे से संबंधित लक्षण, रोगी का चेहरा पीला तथा मटमैला और गंदा हो जाता है। चेहरे पर सूजन आ जाती है। चेहरे की हड्डियों में हल्का हल्का दर्द और चेहरे पर फुंसियाँ हो जाती है तथा उसमें पीप बन जाता है। और इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मुंह से संबंधित लक्षण, मुंह का स्वाद मीठा हो जाता है। मुंह से अधिक मात्रा में लाल रंग का स्राव निकलता है तथा लार से खून जैसा पदार्थ निकलता है। बोलना कठिन हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है और किसी चीज को चबाने से दर्द होता है। दांत हिलने लगता है। दांत ढीले हो जाते हैं। दांत को छूने में दर्द होता है। जीभ की ऊपरी सतह पर लंबी दरार पड़ जाती है। जीभ भारी हो जाती है। मुंह में जलन होने लगती है तथा साथ में घाव भी हो जाता है। मुंह से बदबू भी आती है। यह बदबू इतनी गंदी होती है कि कमरे तक फैल जाती है। तेज प्यास होने लगती है तथा मुंह हर वक्त भीगा रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का सेवन करना चाहिए।
गले से संबंधित लक्षण, रोगी के गले में नीली तथा लाल रंग की सूजन आ जाती है, लगातार किसी चीज को निगलने की इच्छा होती है, गले में जलन होती है, किसी चीज को निगलते समय कान में सुई चुभने जैसा दर्द होता है, तरल पदार्थ नाक के रास्ते वापस लौट आते हैं। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। अमाशय से संबंधित लक्षण, रोगी को गंदी गंदी डकारें आती है, प्यास अधिक लगती है तथा तो ठंडी चीज़ों का सेवन करने की इच्छा होती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, लगातार भूख लगती है, हिचकी आती रहती है, पेट भरा भरा सा लगता है और सिकुड़ा हुआ लगता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पेट से संबंधित लक्षण, रोगी को पेट में इतना तेज दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि पेट में किसी ने छुरा घोंप दिया है, पेट फूलने लगता है तथा यकृत के आसपास दर्द होता रहता है, पेट को छूने से दर्द और भी तेज हो जाता है और रोगी को पीलिया भी हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मल से संबंधित लक्षण, रोगी जब मल त्याग करता है तो उसका मल हरे रंग का होता है तथा मल से रक्त भी निकलता है, मल में लसलसा पदार्थ भी आता है, मल त्याग करते समय पेट में एंटन होती है, कभी भी पूरा मल साफ तरीके से नहीं होता है, पेट में दर्द होता रहता है, कभी कभी तो सफ़ेद रंग का मल भी आता है। इस प्रकार के लक्षणों में से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का सेवन करना चाहिए। मूत्र से संबंधित लक्षण, रोगी को बार बार पेशाब आता है तथा पेशाब के साथ ही मूत्र मार्ग में जलन तथा दर्द भी होता है, पेशाब का रंग गाढ़ा होता है तथा खून के साथ कुछ मात्रा में पेशाब भी आती है, अन्य जैसा पदार्थ भी पेशाब से आने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। पुरुष से संबंधित लक्षण, पुरुष रोग, पुरुषों के जननेंद्रियों के आसपास घाव हो जाता है तथा जननेंद्रियां ठंडी हो जाती हैं, लिंग पर खुजली भी होने लगती है, स्वप्न दोष हो जाता है, रात के समय में अचानक वीर्यपात हो जाता है तथा जिसमें वीर्य के साथ खून की मात्रा भी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का उपयोग करना चाहिए। स्त्री रोग, स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, मासिक धर्म के समय में स्राव होने के साथ ही पेट में तेज दर्द होता है, प्रदर रोग होने के साथ ही स्राव हरा और रक्तयुक्त होता है तथा स्राव ऐसा होता है जिससे त्वचा छिल जाती है, जननेंद्रिया में कच्चेपन की अनुभूति होती है, स्त्रियों के डिंब ग्रंथियों में डंक लगने जैसा दर्द होता है, प्रजनन अंग में खुजली और जलन होती है, पेशाब करने के बाद ठंडे जल से धोने से आराम मिलता है, स्त्री रोगी को सुबह के समय में उल्टी आती है, साथ ही लाल रंग का स्राव भी होता है, सुबह के समय में उल्टी आती है एवं लाल रंग का स्राव भी होता है, स्तन में दर्द होता है, मासिक धर्म के समय में दूध अधिक बनने लगता है, मासिक धर्म के समय में दूध अधिक बनता है। इस प्रकार के लक्षणों से में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। श्वसन संस्थान से संबंधित लक्षण, रोगी की छाती में दर्द होता रहता है, रोगी दाई करवट लेकर लेट नहीं सकता है, खांसी के साथ बलगम निकलता है, रात के समय खांसी अधिक होती है, जुकाम होने के साथ ही ठंड अधिक लगती है, हवा से डर लगता है, दाहिने फेफड़े के नीचे खंड से लेकर पीठ तक सुई चुभने जैसा दर्द होता रहता है, काली खांसी होने के साथ में रोगी के नाक से खून भी आने लगता है और यदि रोगी तंबाकू सिगरेट आदि का सेवन करता है तो रोग लक्षणों में वृद्धि होती है।
इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। पीठ से संबंधित लक्षण, रोगी के कमर के निचले भाग में कुचले जाने जैसा दर्द होता है, बैठे रहने पर तेज दर्द होता है, पीठ में दबाव जैसा दर्द होता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का उपयोग लाभदायक है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, रोगी के शरीर के कई अंगों में कमजोरी आ जाती है तथा हड्डी और अंगों में दर्द होता है तथा रात को अधिक मात्रा में कमजोरी महसूस होती है। शरीर के कई अंगों से पसीना निकलता है, कई अंगों में कंपन महसूस होती है, जोरों में फाड़ने जैसा दर्द होता है, रात के समय में पैरों में ठंड महसूस होती है, रात के समय में अधिक ठंड लगती है, पैरों तथा टांगों में सूजन आ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोग, त्वचा रोग संबंधित लक्षण, रोगी को लगातार ठंड लगती है, त्वचा से अधिक मात्रा में बदबू आती है, चिपचिपा पसीना निकलता है तथा रात के समय में अधिक छालेदार और पीपदार फुंसियां त्वचा पर हो जाती है। घाव आकार में अनियमित तथा टेढ़े मेढ़े होते हैं, खुजली होती है तथा ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों में से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का उपयोग करना चाहिए। ज्वर से संबंधित लक्षण, ज्वर बुखार, रोगी को बुखार हो जाता है और अधिक मात्रा में पसीना आता है तथा कमजोरी भी अधिक आती है, कपकपी होती है, रोगी को कपकपी होती है तथा पसीना का रंग पीला होता है, शाम के समय में तथा रात के समय में अंगों में अधिक गर्मी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। वृद्धि एग्रवेशन, रात के समय में ठंडी हवा के मौसम में रहने से तथा दाहिने करवट लेटने से पसीना अधिक आने से गर्म कमरे में और बिस्तरे की गर्मी से रोग लक्षणों में वृद्धि होती है। संबंध रिलेशन, रोगी को अधिक मात्रा में पेशाब आता है तथा ग्रंथियों में रोग उत्पन्न हो जाता है तथा अतिसार हो जाता है और मल में कफ जैसा पदार्थ आता है, इन्फ्लुएंजा बुखार हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए कैपेरिस कैरियासिया औषधि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही लक्षणों को पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। अतः कैपेरिस कैरियासिस के कुछ गुणों की तुलना आप मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि से कर सकते हैं। जीर्ण अतिसार से पीड़ित रोगी के पेट में एंटन हो रही हो तथा मल के साथ ही रक्त और कफ जैसा पदार्थ निकल रहा हो और उसके साथ ही किसी चीज़ को निगलने से कष्ट होता है और टीबी जैसे लक्षण भी हो गया हो और उसके साथ ही अधिक कमजोरी आ गई हो और इस प्रकार के लक्षणों से को ठीक करने के लिए एपिलोबियम औषधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसे ही लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का उपयोग करना चाहिए। अतः एपिलोबियम औषधि कुछ गुणों की तुलना मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम से औषधि से आप कर सकते हैं। जहरीली घाव को ठीक करने के लिए काली हाइड्रो औषधि का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसे ही घाव को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का भी प्रयोग करते हैं। अतः काली हाइड्रो के कुछ गुणों की तुलना मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि से किया जा सकता है। यदि रोगी के शरीर के किसी भाग में रक्त जमा होने के साथ ही अकड़न तथा खुश्की और आंसू में गर्मी होती है, आंखों में जलन होती है तथा खुजली होती है, नम हवा से रोग लक्षण वृद्धि होती है, गला सूखने लगता है, बोलने में कष्ट होता है, छाती में दबाव महसूस होता है, मूत्रमार्ग में घाव हो जाता है और अंगों में दर्द होता है, इस वक्त लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियासिटी औषधि का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का उपयोग करते हैं।
अतः मर्क्यूरी एशेटी अवधि कुछ गुणों की तुलना मर्क्यूरियस हाइड्रोजनम अवधि से आप कर सकते हैं। मस्तिष्क के घाव, नाक और हड्डियों के घाव, खुजली होने के साथ ही पानी जैसा पदार्थ निकलना, पुराना जुकाम तथा अंडकोश की सूजन को ठीक करने के लिए मर्क्यूरी ऑरेटस औषधि का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे ही रोगों को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का भी उपयोग करते हैं। अतः मर्क्यूरी ऑरेटस औषधि कुछ गुणों की तुलना मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि से आप कर सकते हैं। घाव को ठीक करने के लिए मर्क्यूरी ब्रोमेटस औषधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसे ही घाव को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का उपयोग करते हैं। अतः मर्क्यूरी ब्रोमेटस औषधि कुछ गुणों की तुलना मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि से आप कर सकते हैं। आंखों के सफेद भाग में सूजन तथा पलकों की सूजन, प्रमेय रोग, गर्मी के कारण उत्पन्न फोरे फुंसियाँ को ठीक करने के लिए मर्क्यूरी की नाइट्रोसस औषधि का उपयोग करते हैं। अतः मर्क्यूरी की नाइट्रोसस औषधि कुछ गुणों की तुलना आप मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि से आप कर सकते हैं। शरीर में गर्मी के कारण उत्पन्न स्नायविक रोग तथा हड्डियों का बढ़ जाना, इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरी फॉस्फोरस औषधि का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे ही रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का उपयोग कर सकते हैं। अतः मर्क्यूरी फॉस्फोरिकस औषधि कुछ गुणों की तुलना आप मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि से कर सकते हैं। रोगी जैसे ही रात के समय में लेटता है, वैसे ही उसे नींद आने लगती है और दम घुटने लगता है और अचानक उछल कर खड़ा भी हो जाता है, जिसे कुछ राहत मिलती है। उछल कर खड़ा होने से राहत मिलती है, सुजाक रोग हो जाता है। रोगी को अपना लिंग ढीला महसूस होता है, लिंग में गिल्टियाँ भी हो जाती है, शरीर के कई अंगों में पर दरारें पड़ जाती हैं, दाढ़ी पर दाग हो जाता है, पलकों पर जलन होती है, आंखों का अंदरूनी तथा बाहरी भाग में जलन होती है और सिर के पिछले भाग में भारीपन महसूस होता है तथा इसके साथ ही कान बहने लगते हैं। इस प्रकार के लक्षणों में से कोई भी लक्षण यदि किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस प्रेसिपिटेटस रूबर औषधि का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे ही लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का उपयोग करते हैं। अतः मर्क्यूरियस प्रेसिपिटेटस रूबर औषधि के कुछ गुणों की तुलना आप मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि से कर सकते हैं। पाचन तंत्र संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए तथा चर्म रोगों के साथ घाव होने पर रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूटेनिकस औषधि का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का भी उपयोग किया जाता है। अतः मर्क्यूरी टैनिकस औषधि कुछ गुणों की तुलना मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि से आप कर सकते हैं। सारे शरीर में लाली जैसी फोरे फुंसियाँ हो जाती है, छाती पर लाल लाल फुंसियाँ हो जाती है, ऐसे रोग को ठीक करने के लिए एरिथ्रिनम साउथ अमेरिकन रेड मुलेटफिश औषधि का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि भी का प्रयोग करते हैं। अतः एरिथ्रिनस साउथ अमेरिकन रेड मुलेटफिश औषधि कुछ गुणों की तुलना आप मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि से आप कर सकते हैं। हाथ पैरों में कंपन को ठीक करने के लिए लोरियम टेमुलेटस औषधि का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि का उपयोग करते हैं। अतः लोरियम टेमुलेटस औषधि कुछ गुणों की तुलना मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइनम औषधि से आप कर सकते हैं। पाचन तंत्र सूजन, जी मिचलाना, पित्त रोग, फेल के समान उल्टी होना, मल पानी जैसा पतला होना, अधिक मात्रा में होना, लसीला होना, पित्त युक्त होना, मल त्याग करने की इच्छा न होना तथा पेट में एंटन होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हंचेरा एलम रूट औषधि के मूलार्क की 2 से 10 बूंदों का उपयोग करते हैं।
लेकिन ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि का उपयोग करते हैं। अतः हैंचेरा एलेम्बिक्लो औषधि कुछ गुणों की तुलना आप मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि से कर सकते हैं। नाइजीरियम फास्फो एथियोप्स औषधि कुछ गुणों की तुलना मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि से आप कर सकते हैं। पूरक बैडियागा मात्रा डोजेज मर्क्यूरियस हाइड्रोजाइरम औषधि की दूसरी से तीसरी शक्ति तक का प्रयोग रोग लक्षणों के अनुसार करना चाहिए। अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारियों के साथ अक्सर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।